गाइज, नाइस टू मीट यू। आज हम लोग क्लास आपका 7 है। क्लास 7 से सब्जेक्ट हम लोग केमिस्ट्री देख रहे हैं। ये आपका वीडियो क्लिप 10 है। केमिस्ट्री में एक छोटा सा हम लोग कंसेप्ट समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के ऊपर। बता चुके हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस को भी बताया जा चुका है। आज जो हम लोग कंसेप्ट स्टडीज करने जा रहे हैं वो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट्स। लवण का क्या गुण होता है इसके ऊपर हम लोग परिचर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप लोग एसिड के प्रॉपर्टीज, बेस के प्रॉपर्टीज, आज हम लोग साल्ट के प्रॉपर्टीज को देखेंगे। इन सब विषयों के ऊपर डिस्कस हो चुका है। देखिए, साल्ट के बारे में तो आपको बताया ही जा चुका है कि कैसे फॉर्म होता है। बहुत ही सिंपल वे है साल्ट फॉर्म करने का। एक्चुअली साल्ट को फॉर्म करने के लिए एसिड जब किसी बेस के साथ अभिक्रिया करता है तो उस अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें साल्ट फॉर्म होता है और साथ ही साथ वाटर भी फॉर्म होता है। कह सकते हैं हम लोग कि व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड्स रिएक्ट्स विथ स्ट्रॉन्ग बेसिस, जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट होता है, उस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रल साल्ट भी बोलते हैं, उस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन भी बोलते हैं। तो जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट होता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के फलस्वरूप जो है रिजल्टेंट में हमें साल्ट फॉर्म होता है और साथ ही साथ वाटर भी फॉर्म होता है। उसी साल्ट का हम लोग प्रॉपर्टीज को स्टडीज करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले बताया गया कि मोस्ट साल्ट डिजॉल्व इन वाटर, मोस्ट साल्ट डिजॉल्व इन वाटर। बहुत सारे साल्ट ऐसे हैं जो वाटर में घुले हैं, जो वाटर में घुलनशील है, जो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है एंड आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। बहुत सारे साल्ट, अधिकांशतः साल्ट ऐसे हैं जो वाटर में सॉल्युबल हैं, डिजॉल्व हैं और रूम टेम्परेचर पर, कमरे के तापमान पर वे सॉलिड पाए जाते हैं, ठोस पाए जाते हैं। ये पहला प्रॉपर्टी बताया गया कि मोस्ट साल्ट डिजॉल्व इन वाटर एंड आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। साल्ट का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों जो है उच्च होता है, हाई होता है। तो दो प्रॉपर्टीज आपके सामने आया कि मोस्ट साल्ट डिजॉल्व इन वाटर एंड आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। थर्ड प्रॉपर्टी है कि साल्ट्स आर मेड अप ऑफ एन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड निगेटिव आयंस। बहुत ही बहुमूल्य बात बताई गई कि साल्ट आर मेड अप ऑफ, एंड जब भी साल्ट मेड अप होता है, तैयार होता है, तो उसमें कटायन और एनायन की संख्या जो है निरंतर जो है समान होता है, बराबर होता है। साल्ट आर मेड अप ऑफ एन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस। फोर्थ प्रॉपर्टी है आपका कि दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। ये काफी कठोर होता है, हार्ड होता है और साथ ही साथ जो है ब्रिटल होता है, आसानी से टूट जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि साल्ट सॉल्यूशंस इन वाटर आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। साल्ट का अगर हम घोल तैयार कर लेते हैं, बिलियन तैयार कर देते हैं, तो वह साल्ट सॉल्यूशन जब वाटर में डिजॉल्व हो जाता है तो ऐसी स्थिति में वह विद्युत का बहुत ही सुंदर जो है, अच्छा जो है,
चालक बन जाता है, सुचालक बन जाता है, उस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होना शुरू हो जाता है। कब? जब वह साल्ट वाटर में डिजॉल्व होता है। तो ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट था, इसको आप स्टडीज करेंगे। और इससे पहले जितने भी वीडियो क्लिप आपको केमिस्ट्री में क्लास 7 में बताए गए हैं उसको भी रिकॉल कर लेंगे, स्टडीज कर लेंगे। कल आपको विशेष रूप से अगले वीडियो क्लिप में इसके ऊपर डिस्कस किया जाएगा। तो होमवर्क में आपका टू अंडरस्टैंड रहा, आज के लिए इतना ही। डेट्स ऑल वी थैंक्स, नाइस मीटिंग यू, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।